इस टाइप क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जीरो या फिर ट्वेल्व? क्या आपको कन्फ्यूजन है? तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिलो और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूँ। और यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वी बॉडमास रूल्स जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एट फर्स्ट जो कि वी बॉडमास के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देते हैं आपको, फिर जो कि इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर वी बॉडमास, वी मीन्स यहाँ पर भीन कुलम, यानी कि भीन कुलम यानी कि जो कि बार कह सकते हैं आप इसको, बार इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए दो नंबर है, फोर क्वेश्चन में था फोर माइनस थ्री, तो इसके ऊपर बार है, तो बार एक्स वाई जेड इसके ऊपर बार, यानी कि भीन कुलम। तो एट फर्स्ट जो कि भीन कुलम यानी कि बार का काम एट फर्स्ट होगा, उसके बाद बी, बी यानी कि ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में भी भाग है, जैसे कि ब्रैकेट में है, जैसे कि ए हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, ए हो गया सेकेंड ब्रैकेट और एक थर्ड ब्रैकेट। तो एट फर्स्ट जो कि फर्स्ट ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट का, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम होगा। अब ब्रैकेट के बाद आ रहा है जो कि ओ यानी कि ऑफ। क्वेश्चन में कैसे देख सकते हैं कि फोर ऑफ सिक्स, नाइन ऑफ फोर्टी इस तरह से रहता है, तो जो कि विनकुलम ब्रैकेट, उसके बाद जो कि ऑफ का काम होगा। फिर जो कि डी यानी कि डिविजन, ऑफ के काम के बाद जो कि डिविजन होगा। अब डिविजन इस तरह से, और ऑफ यहाँ पर जो कि मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एम जो कि मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपली देखिए ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डिविजन के पहले ही जो कि ऑफ का काम होगा, ऑफ के काम के बाद जो कि डिविजन का काम होगा, और उसके बाद जो कि मल्टीप्लीकेशन का काम, फिर जो कि ए जो कि एडिशन यानी कि प्लस करना है, और लास्ट में जो कि सब्ट्रैक्शन। तो लास्ट में जो कि माइनस का काम करना है। तो चलिए एट फर्स्ट वी बॉडमास फॉर्मूला के ऊपर जो कि एक इजी सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन है जो कि टू प्लस थ्री इंटू फाइव प्लस थ्री डिवाइडेड वन अपॉन टू अपॉन सिक्स प्लस फोर सॉरी फाइव इंटू फोर डिवाइडेड फोर अपॉन फाइव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए एट फर्स्ट जो कि वन कुलम जो कि बार, बार यहाँ पर नहीं है तो बार का काम नहीं करेंगे। फिर जो कि ब्रैकेट, अब देखिए इसमें ब्रैकेट है टू प्लस थ्री जो कि फाइव, तो फाइव का काम एट फर्स्ट कर लीजिए। फिर देखिए और ब्रैकेट नहीं है तो लिख लीजिए फाइव इंटू फाइव प्लस थ्री डिवाइडेड वन अपॉन टू अपॉन सिक्स प्लस फाइव इंटू फोर, और यहाँ पर डिवाइडेड फोर अपॉन फाइव। अब देखिए ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम, ऑफ नहीं है। फिर जो कि डिविजन का काम, डिविजन कर लेते हैं, चलिए फाइव इंटू फाइव प्लस थ्री डिवाइडेड है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो टू ऊपर में होगा, और नीचे जो कि सिक्स प्लस फाइव इंटू फोर डिवाइडेड है तो कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फाइव अपॉन फोर होगा, तो फोर फोर कैंसिल। और यहाँ पर सिंपली देखिए फिर जो कि डिविजन के बाद मल्टीप्लीकेशन के काम, जो कि फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री इंटू टू जो कि सिक्स अपॉन सिक्स प्लस फाइव इंटू यहाँ पर फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, तो ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्स जो कि थर्टी वन, और नीचे भी थर्टी वन जो कि वन आपका आंसर। अब यहाँ पर एट फर्स्ट जो क्वेश्चन था, चलिए उसको सॉल्व करके दिखाते हैं और इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर एट फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था टू इंटू सेवन माइनस फोर माइनस थ्री, और फोर माइनस थ्री के ऊपर बार है,
तो आप इस तरह से कर सकते हैं, टू इन टू जो कि सेवन, माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सेवन जो कि टू इन टू सेवन माइनस सेवन जीरो, यानी कि जीरो आपका आंसर, और ये गलत है। तो सही आंसर क्या है, चलिए दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं। और ये पास सही आंसर है, देखिए ध्यान से देखिए, फोर माइनस थ्री के ऊपर बार है, तो बार का काम जो कि वन कूलम का काम एट फर्स्ट करना है, यानी कि फोर माइनस थ्री वन, तो सिंपली बार का काम एट फर्स्ट करना है, यानी कि सेवन माइनस फोर माइनस थ्री जो कि वन है तो वन, यानी कि टू इंटू सेवन माइनस वन यानी कि सिक्स जो कि ट्वेल्व आपका आंसर। इसी तरह से मान लीजिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि थ्री डिवाइडेड बाय फोर माइनस फाइव प्लस टू, और यहाँ पर फाइव प्लस टू के ऊपर बार है, तो सिंपली एट फर्स्ट जो करना है, देखिए बार का काम करना है एट फर्स्ट, यानी कि थ्री डिवाइडेड फोर, फाइव प्लस टू जो कि माइनस सेवन, फिर जो कि डिवाइड का काम करना है, यानी कि डिवीजन का काम करना है, यानी कि थ्री अपॉन फोर माइनस सेवन, और फिर जो कि यहाँ पर लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम, तो सब्ट्रैक्शन फोर थ्री माइनस ट्वेंटी एट, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए वी बॉडमस रूल्स के ऊपर इसी टाइप का और भी कुछ डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। और एक बहुत ही कॉमन सा एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो कि मान लीजिए क्वेश्चन है फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव अपॉन फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव डिवाइडेड फाइव, और इस टाइप क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए एट फर्स्ट जो कि यहाँ पर ब्रैकेट का काम एट फर्स्ट होगा, तो फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव जो कि 15 डिवाइडेड 5, अब यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 5 डिवाइडेड 5, ब्रैकेट के बाद जो कि यहाँ पर डिवीजन का काम है, तो डिवीजन का काम कर लेते हैं, जो कि 15 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 3 अपॉन 5 प्लस 5 5 डिवाइडेड 5 यानी कि 1, तो प्लस 1, तो सिंपली 3 अपॉन 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, तो 3 अपॉन 11 आपका आंसर। इसी टाइप का जैसे कि और एक क्वेश्चन, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइडेड 6 अपॉन 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइडेड 6, तो सिंपली यहाँ पर एट फर्स्ट ब्रैकेट का काम होगा, तो 4 इंटू 6 होगा, 4 टाइम्स 6 24 डिवाइडेड 6 अपॉन यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइडेड 6, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 4 अपॉन जो कि एट फर्स्ट डिवाइड का काम होगा, तो 6 डिवाइडेड 6 जो कि 1, तो 1 प्लस यहाँ पर 18 जो कि 19, तो 4 अपॉन 19 आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए 5 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 5, और इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए सभी में डिवाइडेड हैं, और इस टाइप क्वेश्चन में बहुत बार गलती हो जाती है कि इस तरह से कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 5, अब डिवाइडेड 5 डिवाइडेड 5 जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 5, इसी तरह से डिवाइडेड जो कि मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 5, तो इस तरह से आप करेंगे तो एक गलत है, तो किस तरह से सॉल्व करना है चलिए दिखाते हैं, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर सिंपली इस टाइप क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि 5 डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 अपॉन 5 होगा, फिर डिवाइडेड है मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 5, फिर डिवाइडेड है मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 5, तो 5 5 कैंसिल, यानी कि 5 इंटू 5 जो कि 25, तो 1 अपॉन 25 जो कि आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड 4 ऑफ 4 डिवाइडेड 4 इंटू 4 डिवाइडेड 4, तो देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देखिए
एट फर्स्ट जो कि अपर ऑफ का काम होगा, ऑफ का काम, फिर डिवाइड का काम, फिर जो कि मल्टीप्लिकेशन का काम। तो सिंपली एट फर्स्ट ऑफ का काम कर लेते, फोर डिवाइडेड फोर इंटू फोर जो कि 16, डिवाइडेड फोर इंटू फोर डिवाइडेड फोर, फिर जो कि डिवाइड का काम होगा। तो फोर डिवाइड जो कि चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन पे, तो मल्टीप्लाई जो कि 1/16, फिर जो कि डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, जो कि 4 है तो 1/4 इंटू 4 है, और यहाँ पर डिवाइड जो कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट जो कि 1/4। तो सिंपली यहाँ पर 4 4 कैंसिल, तो 1/16 जो कि आपका आंसर। तो इस टाइप क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी गलती कर देंगे तो आपका आंसर जो कि रॉन्ग आ जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से जो कि बॉडमास रूल के अनुसार आप इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5.5 माइनस थर्ड ब्रैकेट 6.5 माइनस सेकेंड ब्रैकेट 3.5 माइनस डिवाइडेड जो कि 6.5 और पर ब्रैकेट स्टार्ट जो कि फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 5.5 माइनस 2.5 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सॉरी, और यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट क्लोज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए एट फर्स्ट और यहाँ पर बार है, तो एट फर्स्ट जो कि बार का काम होगा, तो 5.5 माइनस 2.5 जो कि दोनों के ऊपर बार है, तो सिंपली 3 माइनस करके, तो सिंपली यहाँ पर 5.5 माइनस 6.5 माइनस 3.5 डिवाइडेड फर्स्ट ब्रैकेट 6.5 माइनस जो कि 5.5 माइनस 2.5 जो कि 3। तो सिंपली यहाँ पर देखिए 6.5 माइनस 3 जो कि आ रहा है 3.5 फर्स्ट ब्रैकेट का काम एट फर्स्ट, और यहाँ पर 3.5 डिवाइडेड 3.5 जो कि 1। तो सिंपली यहाँ पर जो कि इन सब में से जो कि 1 आ रहा है। अब 6.5 माइनस 1 जो कि 5.5, और एट फर्स्ट जो कि है 5.5, तो 5.5 माइनस 5.5 जो कि 0 का आंसर। और चलिए वी बॉडमास के ऊपर और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है 6 डिवाइडेड 3, 2 डिवाइडेड 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 के ऊपर बार है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो एट फर्स्ट जो कि वेनकुलम जो कि बार का काम जो कि 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो यहाँ पर सिंपली 6 डिवाइडेड 3 और यहाँ पर 2 डिवाइडेड जो कि यहाँ पर 3। अब यहाँ पर डिवाइड का काम एट फर्स्ट करना है, सॉरी एट फर्स्ट जो कि ब्रैकेट का काम करना है, तो ब्रैकेट के अंदर है 2 डिवाइडेड 3, तो इसको सॉल्व करना है, फिर जो कि डिविजन में जाना है यानी कि 6 डिवाइडेड 3, देखिए 2 डिवाइडेड 3 यानी कि कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/3। तो सिंपली यहाँ पर डिवाइड, अब देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि इस कंडीशन में ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है, तो ऑफ लेना है, और ऑफ का काम जो कि डिविजन के पहले यानी कि 6 डिवाइडेड 3 करने से पहले जो कि यहाँ पर ऑफ का काम खत्म करना है। तो सिंपली 6 डिवाइडेड 3 इंटू ऑफ यानी कि इंटू जो कि 2/3, और यहाँ पर 3 3 कैंसिल, तो सिंपली 6 डिवाइडेड 2 जो कि आपका आंसर 3। तो उम्मीद है कि वी बॉडमास के ऊपर आगे आप इस टाइप क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए।